नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल फिजिक्स बाय राय सर। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के हर टॉपिक के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, रोटेशनल मोशन का। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हमसे बोला गया कि इस तरीके से हमारे पास क्या दे रखा है कि सेंटर ऑफ मास हमको चाहिए, और इस तरीके से अपने को चार मास दे रखे बेटा, है ना। एक कहाँ दे रखा है, ओरिजिन पर दे रखा है। दूसरा जो दे रखा है वो अपने को इस तरीके से सी पॉइंट पर दिया है, बी पर दिया है और ए पॉइंट पर दिया है ना। एक रेक्टेंगल की फॉर्मेट में अपने को दे रखा है। अगर यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि भाई बताइए इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, ठीक, तो सबसे पहले क्या अपन करते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट वाले के कोऑर्डिनेट भाई अपने को पता है 0,0। सेकंड वाले के पता है भाई अपने को ए पॉइंट वाले के 1,0। अगर मैं इस बी और सी वाले के भी निकाल लूं तो मेरा काम बनेगा, ठीक। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे भाई, कि ये जो है, ये जो साइड दे रखी है, ये साइड बी दी है आपको, है ना। इस रेक्टेंगल की एक साइड कितनी है, बी है। तो इस बी के कंपोनेंट्स लेंगे, तो बी का जो ये जो सी डी कंपोनेंट आएगा ये कितना आ जाएगा भाई, बी साइन थीटा, ठीक। और ऐसे अगर ओडी की बात करें तो ओडी कितना आ जाएगा भाई, अपना ओडी आ जाएगा बी कॉस थीटा, है ना। ये कंपोनेंट्स ले लिया अपन। तो सी के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो क्या लिखूंगा, सी के कोऑर्डिनेट एक्स में हो जाएगा बी कॉस थीटा और वाई में हो जाएगा बी साइन थीटा, ठीक। वहीं अगर मैं इसके बात करता हूँ बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो क्या हो जाएगा बेटा, कि यहां तक ऑलरेडी ए है, इस पॉइंट तक, इससे आगे जो है वो कितना है, बी कॉस थीटा, ठीक। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक, ये एक्स, और वाई में क्या हो जाएगा इसका, बी साइन थीटा, क्लियर है। अब हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे भाई, देखो सिंपल सा, कि हमको पता है एक्स सी ओ एम क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन टोटल मास, मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 होगा बेटा। अब यहाँ पे देखो सिंपल सा, कि अपने को एक्स सी ओ एम चाहिए, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चाहिए इन एक्स। तो मास फर्स्ट के लिए अगर बात करें तो ये फर्स्ट वाला हो गया ओ पॉइंट वाला, तो इसकी जो पोजीशन है वो जीरो हो गई बेटा एक्स में, ठीक। वही अगर मैं ए पॉइंट वाले के लिए बात करूं तो कितना हो जाएगा, कि मास है एम और पोजीशन है उसकी ए, ठीक। प्लस क्या आ जाएगा बेटा, बी वाले पॉइंट के लिए बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एम ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक। प्लस सी वाले के लिए बात करेंगे तो क्या आएगा, एम बी कॉस थीटा, ठीक, बाय टोटल मास। तो टोटल कितना मास है भाई, 4 है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको सॉल्व किया अपन ने आगे, तो एक्स सी ओ एम की वैल्यू जो आई वो क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे देखो एम कैंसिल आउट हो जाएगा सब में से कॉमन लेके, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ऊपर आया आपका ए और एक ये ए, तो 2a प्लस 2b कॉस थीटा बाय 4, है ना। तो 2b कॉमन लेके कट कर दे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब में एक्स सी ओ एम की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा अपने पास, ए प्लस बी कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट मिल गया हमको। अब हमको क्या चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकाले बेटा अपन यहाँ पे, कि वाई कोऑर्डिनेट तो वाई सी ओ एम, है ना, वाई सी ओ एम अपने को निकालना। तो वाई सी ओ एम में क्या करेंगे, अगेन एज इट इज सेम, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 अपॉन टोटल मास, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 होगा, ठीक। तो y c o m में क्या लिखेंगे बेटा अपन यहाँ पे, कि फर्स्ट वाले के लिए बात करें तो अगेन जीरो हो जाएगा ये, सेकंड वाले के लिए भी बात करें तो y कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो है, ठीक। थर्ड के लिए बात करते हैं, मतलब b पॉइंट वाले के लिए, तो क्या हो जाएगा, एम बी साइन थीटा, है ना। प्लस सी वाले के लिए बात करते हैं, तो सी वाले के लिए क्या जाएगा बेटा यहां पर, एम बी साइन थीटा अपॉन 4m, टोटल मास कितना है, 4m, अगेन एम एम जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा अपना, ठीक। और ऊपर जो है वो कितना आ गया, 2b। तो वाई सी ओ एम इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा 2b sin थीटा अपॉन 4, ठीक, ये कट जाएगा। तो वापस से क्या वैल्यू हो जाएगी, वाई सी ओ एम इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा बाई 2, ठीक। तो
अपने जो पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगी वो क्या जाएगी बेटा अपने पास, यहाँ पे दोनों का एड करके लिखेंगे कि एक्स सी ओ एम कॉमा वाई सी ओ एम, ऐसे इस तरीके से अपने पास क्या जाएगी पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। ठीक, क्लियर है। चलिए अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो फटाफट लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हर टॉपिक के टॉप 100 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। थैंक यू।